वेलकम एवरी वन टू BIHS कॉलेज। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं पेपर वन कंप्यूटर साइंस में फर्स्ट ईयर का है, जो आपका यूनिट नंबर टू है। यूनिट वन हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर में पढ़ा था कि कंप्यूटर की क्या क्या जनरेशन्स होती है, इवोल्यूशन कैसे हुआ है कंप्यूटर का, इवोल्यूशन मतलब इजाद कहाँ से हुआ है। तो सबसे पहले एबेकस एक मशीन थी, तो इस टाइप की एक मैकेनिकल मशीन थी ऐसी, बीट्स वाली, जिस जो अर्थमेटिक कैलकुलेशन करने के काम में आती थी। तो यहाँ से है ना मशीन की अंकगणित का इस्तेमाल शुरू हुआ और वहाँ से लेके है ना कंप्यूटर बने। तो शुरू में है ना, फिर हमने पढ़ा था कि जब शुरू में कंप्यूटर है ना बने थे तो उसमें वैक्यूम ट्यूब्स यूज होते थे। और वैक्यूम ट्यूब्स यूज होने के कारण क्या होता है, वैक्यूम ट्यूब्स बहुत बड़े होते हैं साइज में, इस तरह के कुछ है ना आर्किटेक्चर होता है वैक्यूम ट्यूब का, आपकी CRT की तरह कुछ आर्किटेक्चर होता है। तो उस कारण से है ना ये क्या होते थे कंप्यूटर है ना, इस जनरेशन के बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर होते थे, फिर एक रूम की साइज़ के होते थे। अब देखो कोई भी चीज़ ज़्यादा बड़ी होती है तो वो जल्दी थक जाती, तो वो थक जाते थे, फिर उसको ओवरकम करने के लिए है ना दूसरे सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स आए। तो इस तरह से ही हमने पढ़ा था ट्रांजिस्टर्स इस तरह का कुछ आर्किटेक्चर होता है जिसमें ऐसे पैर होते हैं छोटी छोटे, तो ट्रांजिस्टर्स और छोटे होते गए, फिर वेरी लार्ज स्केल, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स आए, है ना ICs आई। तो वो सब हम लोग ऑलरेडी कर चुके। आज जो हम करने वाले हैं वो यूनिट टू में हम लोग कंप्यूटर के अंदर जो मेमरीज और ये होता है, तो यूनिट टू क्या है हम देखते हैं। तो यूनिट टू में हम लोगों को पढ़ना है कि मेमरी कौन सी होती है। तो मेमरी भी हम लोग ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं, दो तरह की होती है, रैम एंड रोम। सिस्टम सॉफ्टवेयर भी हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो देखेंगे प्री प्रोसेसर्स जो होते हैं, कंपाइलर्स इंटरप्रेटर्स एंड असेंबलर्स। तो ये हमारा टास्क है। तो इसमें से जो हम सबसे पहले, ये ऑलरेडी हम लोग बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर में डिस्कस कर चुके हैं मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर में दो प्रकार की मेमोरी होती है, एक होती है प्राइमरी मेमोरी, एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी वो होती है जो आपके कंप्यूटर में ना अंदर रहती है। वो कौन से दो प्रकार की होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रीड ओनली मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होती है, वॉलेटाइल होती है। वॉलेटाइल माने कि है ना वो जो भी, जैसे ही कंप्यूटर में लाइट गई या पावर शट ऑफ हुआ तो वो क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। तो जो चीज़ें पावर के साथ रहती है और पावर खत्म होते ही हट जाती है तो उसको बोलते हैं वॉलेटाइल। और जो रोम होती है रीड ओनली मेमोरी। अब व्हाट इज रीड ओनली मेमोरी, सपोज करो मैंने कोई फाइल स्टोर कर रखी है, अब मैं उसको ओपन कर रही हूँ केवल रीड मोड में। तो जब मैं रीड मोड में ओपन करती हूँ तो वो रीड ओनली मेमोरी होती है। और रैम के अंदर अगर मुझे उसमें राइटिंग करना है तो मुझे उसको किस में लेते हैं, वो अपने आप रैम के अंदर चली जाती है। और रैम के अंदर जाने के बाद हम उसमें क्या कर सकते हैं, राइटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हम लोग रोम के टाइप्स भी डिस्कस कर चुके, प्रोग्रामेबल रोम, इरेजेबल स्टोर डेटा प्रोग्रामेबल रोम, और EP रोम इट मीन्स इलेक्ट्रिकली जो इरेजेबल होता है और फिर उसके बाद फिर से उसको है ना प्रोग्राम कर सकते हैं। तो EEP रोम जो होती है वो इरेज्ड होती है, कैसे, हाई वोल्टेज से है ना इरेज हो सकती है। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी वो होती है जो एक्सटर्नल स्टोरेज जो हमारे पास अवेलेबल है, जैसे हमने है ना फ्लॉपी डिस्क था, हार्ड डिस्क है, CD ड्राइव है, देन योर DVD ड्राइव है, फ्लैश ड्राइव्स हैं जैसे पैन ड्राइव्स वगैरह हैं, तो ये सब हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। तो ये मेमोरी हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, राइट। आफ्टर मेमोरी जो हमने पढ़ा था, तो परिवर्तनशील वे मेमोरी मतलब जो वॉलेटाइल हो जाती है वो कौन सी मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी होती है जिसमें निर्देश जो होते हैं CPU द्वारा, आपके ना जो भी CPU द्वारा निर्देश को आपको है ना पालन करना होता है वो कहाँ पे रन होते हैं, रैम के अंदर। और जो अपरिवर्तनशील मेमोरी होती है वो कौन सी होती है, सेकेंडरी मेमोरी होती है। और एक होती है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी क्या होता है, कभी कभी है ना कुछ ऐसा डेटा होता है जो बार बार यूज आता रहता है। आप जब टास्क मैनेजर भी ओपन करते हो तो उसमें आपको दिखेगा कि कैश मेमोरी होती है। तो मेमोरी से रोम से डेटा को लोड होने में टाइम लगता है तो वो आपके कंप्यूटर सिस्टम्स को स्लो कर देता है। तो जो चीज़ बार बार यूज आती रहती है उसको हम लोग किस में रखते हैं, कैश मेमोरी में रखते हैं, जिससे है ना जो सिस्टम प्रोसेसिंग है वो क्या रहे, तेज रहे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हमने पढ़ा था सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। तो सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, जो भी प्रोग्राम के समूह होते हैं जिनके द्वारा हम हमारे कंप्यूटर में विशिष्ट कार्य कर सकते हैं। जैसे इसमें देखो ये आपके कंट्रोल पैनल है, ये आपके जितने भी ब्राउजर्स हैं, ये आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, तो ये सब क्या है, सॉफ्टवेयर है।
इसके अलावा तीन प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होता है जो आपके पूरे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को क्या करता है, कंट्रोल करता है। बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के कभी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं चल सकता। तो यहाँ पे आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है, जैसे ओएस है, ऑपरेटिंग सिस्टम, जितने भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है, वेदर वो मैक का ऑपरेटिंग सिस्टम है, उबंतु है ना, लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से हैं, मैक का है, उबंतु है, उबंतु जो भी लिनक्स टाइप ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, विंडोज है, तो ये आपके क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं, ऐसे प्रोग्राम कहा जाता है जो हमारे कंप्यूटर पर आधारित मुख्य कामों को करने के लिए लिखे जाते हैं। जैसे एमएस ऑफिस है, तो एमएस ऑफिस में मुख्य काम क्या है, आप जैसे है ना, सपोज करो अगर मुझे पीपीटी बनानी है, तो पीपीटी बनाने के लिए मेरे पास क्या, एमएस ऑफिस का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है ना। अब जैसे मेरे को वीडियो देखना है, तो वीडियो देखने के लिए हमारे पास क्या है, वीडियो देखने के लिए हमारे पास है MP4 प्लेयर है ना, MP4 प्लेयर में हमारे पास VLC मीडिया प्लेयर है। तो ये वाले सब क्या होते हैं आपके एमएस ऑफिस, ये सब क्या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो। नेक्स्ट होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं काम का कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम के जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे एंटीवायरस है, तो एंटीवायरस का है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। आप देखो कभी आप एंटीवायरस को अगर चाहते हो तो बूट के टाइम पे भी डाल सकते हो, जब कंप्यूटर क्या होता है स्टार्ट होता है, तो वो जो उस टाइम पे जो एंटीवायरस डलता है, वो हर बार कंप्यूटर जब स्टार्ट होता है तो वो क्या करेगा, आपके पीसी को स्कैन करेगा। तो इस तरह के जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, उपयोग में आने वाले सॉफ्टवेयर। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के प्रकार, टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो अब जो हम नेक्स्ट पढ़ने वाले टॉपिक वो जो इस यूनिट का है, वो है आपका टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मतलब आपकी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लैंग्वेज माने भाषा जो प्रोग्राम में यूज आती है, प्रोग्राम लिखने में यूज आती है, उसके प्रकार। ठीक है, सबसे पहले तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, तो लैंग्वेज क्या होती है, अब जैसे मैं आपको समझा रही हूँ, तो मैं हिंदी में बोल रही हूँ या इंग्लिश में बोल रही हूँ, तो हम दोनों में जो आदान प्रदान के बीच की जो भाषा है, व्हाट वी आर टॉकिंग, वो क्या कहलाती है, लैंग्वेज कहलाती है। अब जैसे हम लोगों को समझने के लिए लैंग्वेज की आवश्यकता होती है, वैसे ही कंप्यूटर को समझने के लिए भी लैंग्वेज की आवश्यकता होती है, और कंप्यूटर की भाषा को बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो जितने भी सॉफ्टवेयर डेवलपर्स वगैरह होते हैं, जिन्होंने कुछ लोगों ने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बनाई है, ठीक है, तो वो डेवलपर्स ने क्या बनाई है, प्रोग्रामिंग भाषा बनाई है जो कंप्यूटर के अंदर लिखे जा सके, और कंप्यूटर उस भाषा को समझ के जो हम यूजर्स होते हैं उनके इंस्ट्रक्शंस को ले सके। अब बेसिकली होता क्या है, देखो कंप्यूटर में क्या होती है, दो चीजें होती है, एक होती है फ्रंट एंड और एक होता है बैक एंड। फ्रंट एंड जो होता है ना, वो हमको बाहरी तौर पे जो दिखता है, जैसे आप लोग कभी भी कोई वेबसाइट पे है ना लॉग इन करते हो, तो वो आप वेबसाइट पे आप डेटा भरते हो है ना, तो वो आपको दिख रहा है, पर कंप्यूटर आप उसको क्या भरोगे। अब जैसे आपसे पूछा नेम, तो नेम में आपने अपना नाम डाल दिया, तो आप उसको इंग्लिश या हिंदी में भरते हो, जो भाषा आप समझ सकते हो। हम कंप्यूटर पे हिंदी में भी, हमारे मोबाइल पे भी सर्च करते हैं, पर क्या होता है कि वो चीज कंप्यूटर नहीं समझता। कंप्यूटर जो होता है वो क्या समझता है, उसकी खुद की भाषा समझता है, ठीक है। और जो सबसे पहली प्रकार की जो भाषा है, जो कंप्यूटर की भाषा है, वो है मशीनी भाषा। तो सबसे पहले आती है लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज में जो भाषा है वो है मशीन लेवल लैंग्वेज। मशीनी भाषा जो कोई भी मशीन समझ सकती है। तो जो आपका कंप्यूटर है वो क्या करता है, मशीनी भाषा समझ सकता है, पर हम मशीनी भाषा नहीं समझ सकते। क्यों? क्योंकि जो मशीनी भाषा होती है वो होती है बाइनरी भाषा, जो हमने डिजिटल में पढ़ी है बाइनरी भाषा। बाइनरी क्या होता है, बाई यानी होता है दो,
और बाइनरी के दो ही होती है, जीरो और वन। यानी पूरी भाषा को, पूरी लैंग्वेज को आपको किस में लिखना पड़ता है, जीरो और वन के रूप में। अब हमारे पास हिंदी और इंग्लिश में तो इतने अक्षर हैं कि हमको सेंटेंस बनाना या वर्ड बनाना क्या रहता है, इजी रहता है। पर अब हर चीज को जीरो वन में लिखने के लिए कितना ज्यादा टिपिकल टास्क पड़ेगा। तो जो कंप्यूटर है वो केवल एक ही भाषा समझ सकता है, जिसको बोलते हैं मशीनी भाषा। यानी कि जो भी चीज आप इंग्लिश में लिख रहे हो वो यहां पे आके किस में बदल जाएगी, मशीनी भाषा में बदल जाएगी। अब क्या हुआ, कंप्यूटर केवल मशीनी भाषा समझ सकता है, तो क्या हुआ, पहले के जो डेवलपर थे, पहले के जो प्रोग्रामिंग लिखते थे वो किस में लिखते थे, लो लेवल लैंग्वेज में, मशीनी भाषा में लिखते थे, ठीक है। और जो मशीनी भाषा में प्रोग्रामिंग लिखी जाती थी वो कैसे होती थी, जीरो और वन के फॉर्मेट में होती थी। यानी सब चीजों को किस में बदल के लिखना पड़ता था, जीरो वन में। यानी सपोज करो कि मेरे को क्या करना है, टू प्लस थ्री करना है, तो मुझे टू को किस में बदलना पड़ेगा, बाइनरी में बदलना पड़ेगा, टू का बाइनरी होता है वन जीरो। तीन को किस में बदलना पड़ेगा, बाइनरी में, तीन का बाइनरी होता है वन वन, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और प्लस में भी क्या होता है, उसके आस्की को बाइनरी में बदलना पड़ेगा, और वो जाके फिर हमको जो डेवलपर होगा उसको क्या करना पड़ेगा, इन सबके बाइनरी देने पड़ेंगे। तो ये क्या होता है, हर चीज को बाइनरी में बदलना बहुत ज्यादा क्या होता है, टीडियस होता है, कठिन कार्य होता है। तो ये भाषा बहुत कठिन थी। तो अब डेवलपर को लगा कि यार ये भाषा तो बहुत कठिन है, इसके आगे की कुछ भाषा आनी चाहिए। तो उन्होंने क्या निकाली, एक लैंग्वेज निकाली जिसका उन्होंने नाम दिया असेंबली लेवल लैंग्वेज। दूसरी प्रकार की जो लैंग्वेज आई वो कौन सी आई, असेंबली लेवल लैंग्वेज, असेंबली भाषा, असेंबली, असेंबली भाषा जो थी। उस भाषा में क्या हुआ, उन लोगों ने, डेवलपर्स में क्या किया, एक नई चीज ईजाद करी जिसको बोलते हैं निमोनिक्स, MNEMONICS, मतलब इस भाषा में किसका उपयोग हुआ गया, निमोनिक्स का उपयोग हुआ गया, छोटे छोटे फॉर्म्स का उपयोग हुआ गया, जैसे जो मिलते जुलते इंग्लिश कैरेक्टर्स थे, तो इसमें क्या आया, इंग्लिश के कैरेक्टर्स यूज में आए। मतलब इंग्लिश की चीजें यूज में आई, ABCD। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमको एडिशन करना है, एडिशन, ठीक है, मतलब अगर हमको जोड़ करना है, तो जोड़ करने के लिए यहां पे तो हमको क्या करना पड़ रहा था, हर चीज को बाइनरी में बदल के देना पड़ रहा था। अब यानी कि उसके लिए प्रोग्रामर को बाइनरी भाषा का नॉलेज होना अनिवार्य है, ज्ञान होना क्या है, जरूरी है इसके लिए। पर इसमें क्या हुआ, एडिशन करना है तो एक सिंपल सा इन्होंने बना दिया एड, और फिर दो नंबर का एडिशन करना है 2, 3। अब एड, एडिशन, जोड़ से ही निकला एड, इसको याद रखना क्या है, सरल है। अब सपोज करो मुझे कोई डेटा को स्टोर करना है, तो उसके लिए इन्होंने कमांड बना दिया, अगर मुझे स्टोर करना है, संग्रहित करना है, तो उसके लिए कमांड बना दिया लोड, लोड टू, मतलब कि मेमोरी के अंदर क्या डालना है, मुझे 2 को डालना है। अब इसमें कहीं पे भी मुझे इन सब चीजों को बाइनरी में नहीं बदलना है, तो ये समझने के लिए क्या है, इजी हुई। पर क्या प्रॉब्लम आई कि जो असेंबली भाषा होती है वो कंप्यूटर नहीं समझ सकता। क्यों, क्योंकि कंप्यूटर तो एक ही भाषा समझ सकता है, मशीनी भाषा। तो क्या हुआ, असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में बदलने के लिए कन्वर्टर आया, ट्रांसलेटर आया। जैसे सपोज करो यहाँ पे जापनीज लोग आए, तो जापनीज लोग है ना, इंग्लिश बोलना नहीं आता, ना हिंदी बोलना आता है, तो वो लोग क्या करेंगे, ट्रांसलेटर को हायर करेंगे। ट्रांसलेटर क्या करेगा, जो जापनीज भाषा को हिंदी भाषा में बदल के हम लोगों को समझाएगा, और हिंदी भाषा को जापनीज भाषा में बदल के जापनीज वाले लोगों को समझाएगा। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, ट्रांसलेटर आया। ट्रांसलेटर यानी क्या होता है, जो भाषा को बदलता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ट्रांसलेटर आया उसका नाम क्या था, असेंबलर, ASSEMBLER। असेंबलर क्या करता है, असेंबलर असेंबली भाषा लैंग्वेज को किस में बदल देगा, मशीन लेवल लैंग्वेज में बदल देगा। अगर मैं इसका डायग्राम रिप्रेजेंटेशन देखूं तो क्या होगा, सपोज ये मेरी असेंबली लैंग्वेज है, असेंबली भाषा है ये मेरी, असेंबली भाषा किसके पास जाएगी, असेंबलर के पास जाएगी, और असेंबलर उसको किस में बदल देगा,
लो लेवल में, लो लेवल यानी किस में बदल देगा, मशीनी भाषा में। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर जो होता है वो क्या कर सकता है, मशीनी भाषा को ही केवल समझ सकता है। तो हमारे पास ये दो प्रकार का अभी तक लैंग्वेज आई, कौन कौन सी, मशीन लेवल एंड असेंबली लेवल। हम लोग एक बार चेक भी कर लेते हैं। तो देखो, लो लेवल लैंग्वेज में असेंबली है, ट्रांसलेट यूजिंग असेंबलर, किसके उससे ट्रांसलेट होती है, असेंबलर से वन स्टेटमेंट ट्रांसलेट इनटू वन मशीन कोड इंस्ट्रक्शन। मतलब जो भी हमने स्टेटमेंट दिया, जैसे ऐड दिया है 93, तो ये क्या होगा, एक बार एक एक स्टेटमेंट क्या होगा, मशीन में ट्रांसफर होगा। STO इट मीन्स फॉर स्टोर। पर यहाँ पे मशीन में हमेशा कोड में हमको क्या देना पड़ता है, बाइनरी लैंग्वेज को देना पड़ता है, जो बहुत क्या होती है, हार्ड होती है समझने के लिए और प्रोग्रामर को लिखने के लिए। तो मशीनी भाषा में हम लोग अगर पढ़ें तो क्या है, यह वह भाषा है जो कंप्यूटर द्वारा सीधे रूप में समझी जाती है। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर मशीन भाषा ही समझता है। अब कंप्यूटर अगर मशीन भाषा ही समझता है तो हम लोग उसको मशीनी भाषा दे रहे तो उसमें कहीं ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं है, किसी भी ट्रांसलेशन की आवश्यकता नहीं होती है, तो इसीलिए क्या होगा, तेज होगा। पर इसके डिसएडवांटेज ये हैं, इसकी कमियां ये है कि सबसे पहली कमी है कि ये प्रोग्राम बनाना बहुत कठिन होता है, क्योंकि हर चीज को हमको किस में बदलना पड़ता है, बाइनरी में बदलना पड़ता है। और बाइनरी में बदलने के लिए जो प्रोग्रामर होते हैं, जो प्रोग्राम बनाते हैं, उनको कई कोड्स को क्या करना पड़ता है, याद रखना पड़ता है, रटना पड़ता है, जो क्या होता है, बहुत ज्यादा टीडियस, मतलब बहुत ज्यादा थकान भरा काम होता है और बहुत लंबा काम होता है। तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए जो दूसरी लैंग्वेज आई वो कौन सी आई, असेंबली भाषा। असेंबली भाषा क्या थी, कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, किसका यूज करती थी, लेटर्स का। अब जैसे हमने लिखा ऐड, तो ऐड क्या है, लेटर्स के कॉम्बिनेशन से बनना है। एडिशन, एडिशन को हमने अक्षरों के समूह से बनाया, देखो ए है, डी है और डी है। अब इसमें क्या होता था, ये ऐड जो है ये कौन नहीं समझ सकता है, कंप्यूटर नहीं समझ सकता है, तो इसमें किसकी जरूरत होती थी, ट्रांसलेटर की जरूरत होती थी। तो असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में रूपांतरित ट्रांसलेट करने के लिए ट्रांसलेटर की आवश्यकता होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, असेंबलर कहते हैं। अब इसके एडवांटेजेस क्या है, सबसे पहली बात ये अंडरस्टैंड करना बहुत ईजी होता है। क्यों? क्योंकि हम सबको, हम डे टू डे लाइफ में एडिशन को ऐड बोलते हैं, सब्ट्रैक्शन को सब बोलते हैं, डिविजन को डिव बोलते हैं, तो ये सब चीजें हमको पता होती हैं। दूसरी चीज, इसको मॉडिफाई करना, मॉडिफाई यानी होता है सुधार करना, और करेक्ट, करेक्ट मतलब त्रुटियों को निकालना क्या होता है, बहुत आसान होता है। और इसकी एफिशिएंसी ऑफ एग्जीक्यूशन सेम होता है, मतलब कि ट्रांसलेटर के आने के कारण इसमें ना धीरे नहीं एग्जीक्यूट होगा, ये जल्दी ही एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब इसकी डिसएडवांटेज एक ही है इसकी, वो डिसएडवांटेज है कि ये मशीन डिपेंडेंट होता है। अब मशीन डिपेंडेंट क्या होता है, समझो इसको, सपोज करो कि मैंने एक प्रोग्राम लिखा विंडोज में, ठीक है। अब मैं इस प्रोग्राम को लिखने के बाद मैं इसको मैक में या किसी दूसरे ओएस में चलाना चाहती हूँ तो वो नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि ये क्या होता है, मशीन डिपेंडेंट होता है, मशीन पर निर्भर होता है, जिस मशीन में बना है उसी में चलेगा। अगर आपको दूसरी मशीन में चलाना है तो आपको दूसरी उसमें बनाना पड़ेगा। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि क्या होता है, ये जो असेंबली लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग होती है ना, ये चलती है माइक्रो प्रोसेसर्स में। आप थोड़े आगे माइक्रो प्रोसेसर्स को पढ़ेंगे, माइक्रो प्रोसेसर्स में चलती है। और माइक्रो प्रोसेसर में हर माइक्रो प्रोसेसर के थोड़े बहुत कमांड्स में क्या होता है, चेंज होता है, बहुत माइन्यूट सा। जैसे किसी में LODA कमांड होता है, किसी में LDA कमांड होता है, तो इस तरह से थोड़ा बहुत क्या होता है, चेंजेस होता है माइक्रो प्रोसेसर में। तो इसीलिए ये क्या होता है, मशीन डिपेंडेंट होता है, मतलब मशीन पर निर्भर होता है, जिस मशीन में बना है उसी मशीन में चलेगा, उसके अलावा नहीं चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो होती है, अब जो इसके बाद असेंबली के बाद आती है वो होती है हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज में क्या होता है, लेटर्स और मैथमेटिकल दोनों के सिंबल से बना होता है। मतलब जो इसके बाद वाली जो लैंग्वेज आती है ना वो होती है हाई लेवल। हाई लेवल यानी उच्च स्तरीय, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज जो होती है सेम एज इंग्लिश लैंग्वेज होती है, किसकी तरह होती है, इंग्लिश। मतलब आप सपोज करो कि मुझे है ना अंग्रेजी भाषा की तरह होती है ये। अगर मुझे है ना कोई वैल्यू स्टोर करवानी है तो मैं सिंपल सा लिखूंगी, एक वेरिएबल का नाम लिखूंगी A=10, बस। यानी कि 10 वैल्यू को किस वेरिएबल में डाल दो, A के अंदर डाल दो। दूसरी वैल्यू स्टोर करवानी है B, तो यानी 20 को किसके अंदर डाल दो, B के अंदर डाल दो। अब मुझे एडिशन करना है तो मैं सिंपल सा लिख दूंगी A+B,
हम लोग अंग्रेजी में भी ऐसे ही लिखते हैं, ए और बी को क्या करना है, एडिशन करना है, और इसको किसके अंदर डालना है, सी के अंदर आंसर को डालना है, तो सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो ये सेम अंग्रेजी भाषा की तरह जो भाषा होती है, इसमें आपको कैरेक्टर्स भी होते हैं, मैथमेटिकल सिंबल्स भी होते हैं, मतलब गणित के जितने भी आपके सिंबल्स चिन्ह होते हैं ना, गणित के चिन्ह, प्लस माइनस, तो मतलब इसमें आपको, इसमें तो क्या लिखना था आपको, एड सब्ट्रैक्शन के लिए सब, अब इसमें ये सब कुछ नहीं लिखना है, आप डायरेक्ट प्लस लिख दोगे। अगर मुझे माइनस करना है तो मैं क्या लिख दूंगी, माइनस लिख दूंगी, मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई, डिवीजन करना है तो डिवीजन। तो ये सारे इसमें गणित के क्या यूज आते हैं, चिन्ह यूज आते हैं, और ये भाषा कोई भी प्रोग्रामर बहुत ईजिली समझ सकता है। इनफैक्ट प्रोग्रामर ही नहीं, क्या होता है कि आज हम लोग हैं, हम लोग कहलाते हैं नेव यूजर्स, मतलब जिनको, जो डेवलपमेंट नहीं करते, जिनको ज्यादा नॉलेज नहीं होता है, प्रोग्रामिंग का ज्ञान नहीं होता है, उनको बोलते हैं नेव यूजर्स। क्यों? क्योंकि नेव यूजर्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम सब ये फ्रंट एंड तो यूज करते ही करते हैं। अब क्या हुआ, जो प्रोग्रामर था उसे पता था कि जो मेरे प्रोग्राम को यूज करेगा, उपयोग में लेगा, उससे भाषाएं नहीं आती हैं। तो उसने क्या करा, हम लोगों को बोला कि तुम लोगों को जो लिखना है वो इंग्लिश में लिखो, तुम जब उसको इंग्लिश में लिखोगे, मैं उसको बैकएंड में मेरे लैंग्वेज से, इंटरप्रेटर से, उसको मशीनी भाषा में क्या करूंगा, बदल दूंगा, और जब ये मशीन में स्टोर होएगी तो ये मशीन में जाके मशीनी भाषा के रूप में ही स्टोर होएगी। और ये चीज हमने पढ़ी थी डिजिटल में, डिजिटल में हमने, आप लोगों ने देखा होगा, एक एग्जाम्पल देखा था कि फ्लोटिंग पॉइंट को हमने कंप्यूटर के अंदर 32 बिट में या 16 बिट में कैसे रिप्रेजेंट करा है। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर के अंदर जो भी चीज जाती है वो किस में रिप्रेजेंट होगी, मशीनी भाषा में, यानी 0 और 1 के रूप में रिप्रेजेंट होगी। ठीक है, अब आया इसमें हाई लेवल लैंग्वेज आई, यार हाई लेवल तो फिर से मशीन नहीं समझ सकती, तो इसके लिए भी कौन आया, ट्रांसलेटर आया, और इसमें दो प्रकार के ट्रांसलेटर यूज आते हैं, या तो इंटरप्रिटर यूज आता है, एंड दूसरा वाला होता है कंपाइलर। ठीक है, ये दोनों ट्रांसलेटर यूज आते हैं। सी लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज दो तरह की होती है। ठीक है, पहली तो होती है आपकी प्रोसीजरल, अब ये क्या होती है प्रोसीजरल, ये सब हम लोग थोड़े टाइम में डिस्कस करेंगे, और दूसरी होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ऊप्स। ठीक है, प्रोसीजरल क्या होती है, जो लाइन बाय लाइन सीक्वेंस में चलती है उसको बोलते हैं प्रोसीजरल, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होती है, जिसमें मैसेज फंक्शन कॉलिंग के जरिए होता है, मतलब कि जब जिस जिसको बुलाया जाएगा तभी वो आएगा, मतलब जिस फंक्शन को जब कॉल करा जाएगा तभी वो फंक्शन क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा, ऐसे को बोलते हैं ऊप्स प्रोग्रामिंग। अब हमारी जो प्रोसीजरल होती है वो कौन सी है, सी लैंग्वेज है, जो क्या है प्रोसीजरल है, फोटोन है वो क्या है प्रोसीजरल है। ठीक है, ऊप्स में कौन सी आती है आपकी, सी प्लस प्लस है, जावा है। ठीक है, अब C++ ये तो क्या है, कंपाइलर वाली लैंग्वेज है, मतलब उसमें कौन इंटरप्रेट, ये कौन मशीनी, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी भाषा में कौन बदलता है, तो कंपाइलर बदलता है। पर जो जावा है उसमें कौन बदलता है, इंटरप्रेटर जो होता है वो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी भाषा में क्या कर देता है, बदल देता है। तो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी भाषा में बदलने के लिए दो ट्रांसलेटर आते हैं, एक है इंटरप्रेटर, एक है कंपाइलर। ठीक है, अब क्या हुआ, ये जितने भी ट्रांसलेटर है ना, ये असेंबलर, इंटरप्रेटर, कंपाइलर, ये सारे ट्रांसलेटर्स को हम लोग बोलते हैं लैंग्वेज प्री प्रोसेसर्स। ठीक है, अब क्या होते हैं देखो, तो जो अगला टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है, लैंग्वेज प्री प्रोसेसर्स। अब देखो इसको नाम से क्या हो रहा है, लैंग्वेज को पहले प्रोसेस करने वाला, यार मतलब भाषा है तो क्या है, असेंबली भाषा, मशीन नहीं समझती, हाई लेवल भाषा, मशीन नहीं समझती, तो उसको ये क्या करेंगे, पहले प्रोसेस करेंगे और किस में बदलेंगे, मशीनी भाषा में। तो लैंग्वेज प्री प्रोसेसर तीन होते हैं, पहला है असेंबलर, दूसरा है कंपाइलर, और तीसरा है इंटरप्रेटर। ठीक है, असेंबलर तो आप देख लेते हैं, तो क्या हुआ, असेंबली लैंग्वेज जो हुई उसको लैंग्वेज प्री प्रोसेसर्स आए, कौन कौन से लैंग्वेज प्री प्रोसेसर्स आए, इंटरप्रेटर आया,
कंपाइलर आया और असेंबलर आया। तो असेंबलर का तो हमको पता है, क्या करता है असेंबलर? असेंबलर असेंबली लेवल लैंग्वेज को किसमें बदल देता है? मशीनी भाषा में बदल देता है। पर अब कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या करते हैं? देखो, कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों का काम क्या होता है? हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी भाषा में बदलना। मतलब यहां पे जो सबमिट होगी वो कौन सी होगी? हाई लेवल लैंग्वेज होगी, उच्च स्तरीय भाषा होगी। किसको होगी? या तो असेंबलर, सॉरी, या तो कंपाइलर को होगी, या फिर किसके पास जाएगी? इंटरप्रेटर के पास जाएगी, ठीक है। और वो किस में बदल देगी? लो लेवल में। लो लेवल यानी मशीनी भाषा में बदल देगी, ठीक है। तो ये क्या होता है? ये दोनों कंपाइलर और इंटरप्रेटर का ये काम होता है। पर इन दोनों का अंतर क्या होता है? तो इन दोनों का जो सबसे पहला अंतर होता है कि कंपाइलर जो होता है वो पूरे प्रोग्राम को एक साथ बदलता है। मतलब आपने जितना भी प्रोग्राम लिखा है उसको सबसे पहले एक साथ रीड करेगा और मशीनी भाषा में बदल देगा। और इंटरप्रेटर क्या करता है? एक एक लाइन को रीड करता है और एक एक लाइन को मशीनी भाषा में क्या करता जाता है? बदलता जाता है। अब एक बात सुनो, अगर मुझे कुछ कॉपी को चेक करना है, मैं कॉपी को है ना एक साथ ऐसे सर चेक कर लूंगी तो वो जल्दी हो जाएगा। तो कंपाइलर क्या होता है? जल्दी कन्वर्जन कर देता है, फास्ट होता है। अगर वही कॉपी को मैं एक एक लाइन पढ़ूंगी और फिर चेक करूंगी तो मुझे टाइम लगेगा। तो इंटरप्रेटर क्या होता है? टाइम लेता है, ठीक है। तो कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक साथ मशीनी भाषा में बदलता है और इंटरप्रेटर एक एक लाइन को पढ़ता है और उसको मशीनी भाषा में बदलता है। देख लीजिए, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो ट्रांसलेटर होते हैं वो क्या करते हैं? ट्रांसलेट द सोर्स कोड इनटू अ मशीन कोड, ठीक है। ट्रांसलेट करते हैं सोर्स कोड को किसमें? मशीन कोड में। देखो, सोर्स कोड है इंटरप्रेटर। अच्छा, इंटरप्रेटर और कंपाइलर का एक और एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस होता है कि जो कंपाइलर होता है वो जब ट्रांसलेट करता है तो सबसे पहले जो सोर्स कोड होता है ना, सोर्स कोड यानी जिस प्रोग्रामिंग, सोर्स कोड क्या होता है? जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप प्रोग्राम लिख रहे हो वो होता है सोर्स कोड। अगर मैं सी का प्रोग्राम लिखूंगी तो मेरा सोर्स कोड होगा सी में, जावा का लिखूंगी तो जावा में, सी प्लस प्लस का लिखूंगी तो सी प्लस प्लस में। कंपाइलर सोर्स कोड को जब कंपाइल करता है तो वो क्या बनाता है? ओबीजे फाइल बनाता है। ओबीजे फाइल जो होती है वो ऑब्जेक्ट कोड की फाइल होती है, जो बाइनरी 01 में ऑब्जेक्ट कोड में होती है, ठीक है। ये एग्जीक्यूटेबल फाइल नहीं बनाता है। पर जो इंटरप्रेटर होता है ना, ये इंटरप्रेटर जब सोर्स कोड पे लगता है, ठीक है, तो सोर्स कोड पे जब इंटरप्रीट करता है, इंटरप्रेटर क्या करता है? इंटरप्रीट करता है ना, तो ये क्या बनाता है? डायरेक्टली एग्जीक्यूटेबल्स बनाता है ना। एग्जीक्यूटेबल यानी होता है जिसको हम लोग डायरेक्टली क्या कर सकते हैं? रन कर सकते हैं। एग्जीक्यूटेबल यानी, और इसको मैं सिंपल भाषा में बोलूं तो आउटपुट फाइल बनाता है, जो डायरेक्टली क्या शो कर देती है? आउटपुट को शो कर देती है। ये इन दोनों का एक और अंतर है, ठीक है। तो देखो, एवरी टाइम प्रोग्राम रन्स इट हैज अ ट्रांसलेटेड अगेन एज देयर इज नो सेकेंडरी फाइल। मतलब इसमें जितनी बार प्रोग्राम रन होता है उसको बार बार क्या करना पड़ता है? ट्रांसलेट करना पड़ता है इंटरप्रेटर में। क्यों? क्योंकि इंटरप्रेटर सोर्स कोड से डायरेक्टली क्या बनाता है? आउटपुट बनाता है। तो यहाँ पे देखो, सोर्स कोड से डायरेक्टली आउटपुट बना रहा है, यहाँ पे कोई ओबीजे इंटरमीडिएट फाइल नहीं बनती है। तो इसीलिए जितनी बार आप प्रोग्राम को रन करोगे आपको उतनी बार उसको क्या करना पड़ेगा? इंटरप्रीट करना पड़ेगा। और इंटरप्रीट क्या लेता है? बहुत ज्यादा टाइम लेता है। क्यों? क्योंकि वो एक एक लाइन को रीड करता है, ठीक है। कहाँ कहाँ पे यूज आता है? पाइथन है, बेसिक जावा स्क्रिप्ट है, पास्कल है, ये सब कौन सी लैंग्वेज है? इंटरप्रिटेड लैंग्वेज है, ठीक है, जिसमें डायरेक्टली क्या होती है? इंटरप्रीट होती है। आप जितनी बार इसको है ना लिखोगे, रन करवाना चाहोगे, आपको उतनी बार क्या करना पड़ेगा? इंटरप्रीट करना पड़ेगा, ठीक है। आफ्टर इंटरप्रेटर जो दूसरा होता है वो आपका होता है कंपाइलर। अब देखो, कंपाइलर में क्या होता है? बीच में ओबीजे कोड बन जाता है, ठीक है। ये जो ओबीजे कोड होता है ये मशीनी भाषा का कोड होता है। ये इसका जब फाइल सेव होती है ना तो वो ओबीजे कोड बनता है, ऑब्जेक्ट कोड बोलते हैं इसको, ठीक है। ये जो कोड होता है ये क्या होता है? मशीनी भाषा में होता है। फिर जब हम इस ऑब्जेक्ट कोड को क्या करवाते हैं? रन करवाते हैं, और रन होने के बाद ये क्या करता है? शो करता है। तो इसमें एक क्या बनती है? बीच में एक इंटरमीडिएट फाइल बनती है, ठीक है। तो
कंपाइलर सभी कोड्स को सेम टाइम टू क्रिएट अ कंपाइल कोड, मशीन कोड आल्सो नोन एज अ ऑब्जेक्ट कोड. अ मशीन कोड जो होता है वो सेव होता है एक सेपरेट फाइल में, ठीक है, डॉट ओबीजे के नाम से ये सेव होता है, ठीक है. तो अब जब मशीन क्रिएट प्रोग्राम हो जाता है तो वो है ना क्या करता है, रन करने से पहले इस ओबीजे कोड को टेस्ट कर सकता है, ठीक है. तो अब कंपाइलर इंटरप्रेटर के क्या डिफरेंस है, ट्रांसलेट द होल प्रोग्राम हमने पढ़ लिया, एक साथ पूरे प्रोग्राम को क्या करता है, ट्रांसलेट कर देता है और क्या बना देता है, ऑब्जेक्ट कोड बना देता है. इंटरप्रेटर क्या करता है, एक एक लाइन को क्या करता है, ट्रांसलेट करता है. कंपाइल्ड प्रोग्राम एग्जीक्यूट फास्टर, ऑब्वियसली फास्टर एग्जीक्यूट होंगे, क्यों, क्योंकि इसमें ऑलरेडी क्या होता है, ओबीजे कोड बना हुआ होता है, तो वो क्या करेगा, डायरेक्टली ओबीजे कोड को क्या कर देगा, एग्जीक्यूट कर देगा. पर इंटरप्रेटर को आपको जितनी बार आउटपुट शो करना है उतनी बार उसको क्या करना पड़ेगा, एक एक लाइन को रीड करना पड़ेगा, उसको आउटपुट शो करना पड़ेगा. तो ये क्या लेता है, टाइम लेता है, ठीक है. इसमें यूजर्स डू नॉट हैव टू कंपाइल द इंस्टॉल्ड ऑन देयर कंप्यूटर टू रन द सॉफ्टवेयर, कंपाइलर को इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं होती है, पर इंटरप्रेटर को एक्सटर्नली इंस्टॉल करने की आवश्यकता होती है, ठीक है. अब कंपाइलर जो बनाता है वो क्या बनाता है, ओबीजे कोड बनाता है. ओबीजे कोड जो होता है ना वो मशीनी भाषा में होता है, तो मशीनी भाषा में होने के कारण आप एक्चुअल सोर्स कोड को नहीं देख सकते हो. पर इसमें क्या होता है, जो भी मशीनी भाषा में कुछ नहीं बदलता है, तो इसमें आप एक्चुअल सोर्स कोड को देख सकते हो, ठीक है. ये किसमें यूज आता है, सॉफ्टवेयर सोर्स कोड, यानी कि जिसमें आपने प्रोग्राम लिखा है. अगर मैंने सी में लिखा है तो यहाँ पे सी में कभी नहीं देख सकते, सी प्लस प्लस में नहीं देख सकते. पर अगर मैंने प्रोग्राम लिखा है पाइथन में, तो पाइथन क्या करता है, एक एक लाइन को कन्वर्ट करता है. तो पाइथन में हमेशा हम लोग जब किसी को प्रोग्राम देते हैं तो हम लोग सोर्स कोड देते हैं, ठीक है. ये किस लिए यूज होता है, यूज फॉर द सॉफ्टवेयर दैट विल रन फ्रीक्वेंटली, जो बहुत जल्दी जल्दी रन करते हैं. यूज फॉर द प्रोग्राम डेवलपमेंट एंड व्हेन द प्रोग्राम मस्ट बी एबल टू रन मल्टीपल हार्डवेयर प्लेटफॉर्म. मतलब ये क्या होता है, इंटरप्रेटर जो होता है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग के लिए काम में आता है. प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग कैसे, कि सपोज करो कि मैंने एक कोड लिखा, अब वो मैंने लिखा तो है विंडोज पे, पर वो कोड मुझे मैक पे भी चलाना है, मुझे लाइनक्स पे भी चलाना है, तो वही सेम कोड मुझे क्या करना है, इन दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी चलाना है. तो वो तभी चलेगा जब क्या होगा, इंटरप्रेटर होगा. क्यों, क्योंकि कंपाइलर क्या करता है, ओबीजे कोड बनाता है. और ओबीजे कोड जो होता है ना वो मशीन डिपेंडेंट कोड होता है. क्यों, क्योंकि वो मशीनी भाषा में होता है. तो ये जो ओबीजे कोड होता है ये क्या होता है, मशीनी भाषा में होता है, मशीन डिपेंडेंट होता है. तो इसीलिए वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट नहीं होता, मतलब ये क्या होता है, मशीन डिपेंडेंट होता है. पर ये जो लैंग्वेज होती है इसमें कहीं पे भी ओबीजे कोड नहीं बनता है, तो ये क्या करती है, डायरेक्टली सोर्स कोड को एग्जीक्यूट करवाती है. तो ये क्या होती है, मशीन इंडिपेंडेंट होती है, मतलब मशीनी भाषा पे निर्भर नहीं करती है, ठीक है. तो ये आज का हमारा पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया है. तो हमने क्या क्या पढ़ लिया आज, हमने लैंग्वेजेस देख ली हैं, ठीक है, तीन प्रकार की लैंग्वेज देख ली, मशीन लेवल लैंग्वेज, असेंबली लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है. मशीन लेवल लैंग्वेज जो मशीन समझ सकती है, हाई लेवल असेंबली लेवल लैंग्वेज जो होता है वो थोड़ी निमोनिक्स यूज होते हैं, मतलब शॉर्ट फॉर्म्स यूज होती है, निमोनिक्स यानी होते हैं शॉर्ट फॉर्म्स, ठीक है. ईजियर टू अंडरस्टैंड होती है, मतलब ईजीली समझ में आ जाती है, सरल होती है. पर ये एक ही डिसएडवांटेज है कि ये हर मशीन की क्या होती है, अलग अलग होती है, मतलब ये मशीन पे निर्भर करती है, ठीक है. इसके बाद आई हाई लेवल लैंग्वेज. हाई लेवल लैंग्वेज इंग्लिश की तरह ही होती है, पर इसको मशीन नहीं समझ सकती, इसीलिए इसको मशीनी भाषा में बदलने के लिए कौन कौन उपयोग में आते हैं, एक है कंपाइलर, एक है इंटरप्रेटर, ठीक है. तो अब कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर, ये तीन चीज क्या होती है, लैंग्वेज प्री प्रोसेसर होते हैं, जो लैंग्वेज को क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं. तो असेंबलर का तो एक ही काम होता है, असेंबली भाषा को किस में कन्वर्ट करना, मशीनी लेवल लैंग्वेज में, ठीक है. इंटरप्रेटर और कंपाइलर क्या करते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं. पर बस इतना अंतर होता है कि इंटरप्रेटर है ना लाइन बाय लाइन करता है, और ये डायरेक्टली आउटपुट देता है इंटरमीडिएट कोड, यानी बीच का कोड नहीं देता है. पर जो कंपाइलर होता है वो पूरे प्रोग्राम को एक साथ ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देता है, और ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है, मशीन डिपेंडेंट, मतलब मशीन पे निर्भर करता हुआ कोड होता है. इसीलिए कंपाइलर जो भी लैंग्वेज यूज करते हैं, जैसे सी है, सी प्लस प्लस है, ये क्या करते हैं, कंपाइलर को उपयोग में लेते हैं. इसीलिए वो भाषाएं प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होती हैं, मतलब मशीन पे निर्भर करती हैं. पर जो भाषाएं
इंटरप्रेटर का उपयोग करती हैं, जैसे आपका ये पास्कल हो गया, पाइथन हो गया, जैसे आपकी है ना जावा हो गई है, आर हो गई है, तो ये क्या करती है, मशीन पे निर्भर नहीं करती हैं। क्यों? क्योंकि वो क्या करती है, डायरेक्टली क्या करती है, जो उनका सोर्स कोड होता है उससे डायरेक्ट आउटपुट शो करती हैं। ठीक है, तो ये आज का हमारा पूरा एजेंडा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो है ना अब हम लोग पढ़ेंगे इस यूनिट में वो आपका एमएस ऑफिस के बारे में है। ठीक है, तो ये यूनिट 2 आपकी जो है ये कंप्लीट होती है यहाँ पे। दैट्स इट फॉर द डे।